आदमी सरकार ने कहा कि 1.5 साल असी पंजाब विच बहुत तरक्की लियांदी है। मैं उहदे थल्ले देखिया कि इन्होंने लिखिया तरक्की लियांदी है, हैरान रह गया कि एडे वड्डे झूठ। ते आ जिहड़ा इश्तिहार है जिहड़ा मैं तुहानूं दिखाउणा चाहुंदा है, आ हिंदुस्तान दे हर सूबे दे विच हर अखबार विच दित्ता गया। मैनूं लगदा है इस इश्तिहार दे विच घट तो घट 25-30 करोड़ रुपया लग्गिया होणा पूरे देश विच अज दे दिन च इन्हां दे झूठ दसन वास्ते। आ झूठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि पंजाब दे खजाने का पैसा आ दूजे सूबिआं विच अपना प्रचार करन वास्ते, अपनी आम आदमी पार्टी नूं खड़ा करन वास्ते, केजरीवाल नूं खड़ा करन वास्ते अलाउंदे आ। हुण इहदे विच की झूठ बोलिया? सब तो पहला झूठ है, कह रहे हैं जी कि 37,000 नौकरियां असी देतियां 1.5 साल। 37,000 मुख्यमंत्री साहब मैनू ना तो दस्सो कि नौकरियां दित्तियां, किहड़ियां पोस्टां दित्तियां। जिहड़ियां 3-4 हज़ार नौकरियां दित्तियां है, मैं उन्हां दा वेरवा देना चाहुंदा है जिहड़ियां तुहाडी सरकार ने दित्तियां। पंजाब स्टेट जिहड़ा बिजली बोर्ड है उन्हें 1370 नौकरियां कढ़ियां, भर्ती कीते 1370। उन्हां विच्चों हरियाणे दे 534 सी, हरियाणे दे बच्चे 534 सी, ते राजस्थान दे 94 सी। एक सब इंस्पैक्टर पुलिस दे आए है मानसा जिले तो, 7-6 हरियाणे दे है। हेल्थ सिस्टम कारपोरेशन च 312 दे बंदे लखे गए है। एनिमल हस्बेंडरी डिपार्टमेंट च 664 बंदे टोटल रखे, उन्हां विचों 530 लोग पंजाब दे है, ते 134 उन्हां चों उहदे बाद हरियाणे ते राजस्थान दे है। ते फिर एड्डा वड्डा झूठ, जदों तुसीं इश्तिहार कढ़िया करो वेरवा दिया करो कि किहड़ियां पोस्टां असीं भरियां, उहदे च किन्ने पंजाब दे है, किन्ने बाहर दे है, आह वी वेरवा देना चाहीदा है जदों असलीयत पता लगूगी। दूजी गल इन्होंने कही है मैं वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटीज़ बनातियां जी भगवंत मान की सरकार ने। की फोटो लाई है? जिहड़ा सेवा केंद्र असीं बनाया सी जिथे लोगों को सहूलत मिलियां सी, वह सेवा केंद्र का रंग बदल के उन्हों महला क्लीनिक बनाता। हुण महला क्लीनिक वर्ल्ड क्लास आ कह रहे हैं हेल्थ फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास हेल्थ महला क्लीनिक जिथे एक डॉक्टर है एक नर्स है, वह भी डॉक्टर पहले पिंडां दीआं डिस्पेंसरियां च हुंदे चक के उत्थे रखता, आ थोड़ी वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटी है। नाले लिखिया इन्होंने कि असी महला क्लीनिक बनाया, जिहड़ा इत्थे लिखिया है असी 164 महला क्लीनिक बनाए है जिहड़े वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटी है। तीजी गल जिहड़ी है कि इन्वेस्टमेंट बहुत वध गई जी, ऐ नहीं दस्या कि किस किहड़ी फैक्ट्री आ गई जी, किन्ने किन्ने प्रोजेक्ट आए, किहड़े प्रोजेक्ट का नाँ की है, कुछ नहीं दस्या। कहिंदा जी 50,000 करोड़ दी असी प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट लियांदी है। लियांदी है कित्थे? लियांदी है ना फैक्ट्रियां दा नाँ तो दसो। तुहानूं याद होना है जदों भगवंत मान गया सी जर्मनी, उत्थे कहा मैं BMW कंपनी लियांदी है, ते BMW कंपनी ने अगले दिन बयान दे दिता सी कि असी तां कोई कमिटमेंट कीती नहीं, असी तां आउणा ही नहीं पंजाब च। आ तां एड्डा वड्डा झूठा है। चौथी गल कह रहे हैं कि असी करप्शन ते काबू कर लिया। बच्चा बच्चा जानता है NOC लैनी होए किन्ने पैसे लगते हैं, रजिस्ट्री करवानी होए किन्ने पैसे लगते हैं। इन्हां दे MLA सारे ही नशा वेचन ते लग गए है। जिन्ने मैनू SSP दस रहे सी कोई कि मैं उन्होंने पूछया कि नशा क्यों नहीं घट रहा, कहिंदे कि जी आम आदमी पार्टी दे जिहड़े MLA है नशा वेचन वालिआं नाल उन्हां नाल महीना बन लिया है, कोई 5 लाख लै रहा, कोई 10 लाख लै रहा, 15 लाख लै रहा, ते सानू कहा गया कि इस बंदे नूं नहीं फड़ना। आ तुसीं करप्शन बंद कीती है? तुसीं अज किसी भी दफ्तर चले जाओ पैसे दे बगैर काम नहीं हुंदा, पहले तो कोई काम ही नहीं हुंदा। दूजी गल मैं पूछना चाहुंदा है, करप्शन बंद करती अमित रतन नूं फड़िया गया है, वह हले भी थोड़े नाल बहिंदा है? जिहड़ा थोड़ा फौजा सिंह सरारी है उहदी वीडियो टेप आ गई है, उहदी करप्शन दा फिर की होया? थोड़े नाल ही हुंदा हुण अमित जिहड़ा हैगा, विजय सिंगला थोड़ा ही MLA, 3 MLA ना लै लैंदे, टारू चक जिहदी अश्लील वीडियो आ गई है।
इन्हां दे जिन्ने होर एमएलए दे किन्ने केस आ गए है, कोई नशा व्यंजन का केस हो गया जिन्हां दे हुण उत्थे तरन तारण विच जिहड़ा उत्थों दा एमएलए खडूर साहब दा इन्हां दा उहदे जवाई ने उत्थे सैंडमैन वी माफिया बनिया फिरदा सी, एसएसपी ने फड़ के उहनूं अंदर कीता ते तुसीं उहनूं बदल दित्ता ते अपने एमएलए दे कहिंदे आ करप्शन तुसीं बंद कीती है। हुण चौथी गल मैं हैरान हां इन्हां दी कि कनाल असी नहरी पानी असी पूरे पंजाब देवांगे देवांगे आ इन्हां दी कहिंदे साडी प्राप्ति है। मैनू दस दिओ एक नहर या एक कस्सी तुसी मंजूर कीती होए, एक खाला मंजूर कीता होए, एक अंडरग्राउंड पाइप का केस दिता होए। मुख्यमंत्री जी जिन्नियां नहरां कस्सियां बणियां अकाली दल की सरकार ने बनाईया, थोड़ी सरकार ने तो उस तरह देखे तुहानू आई नहीं पता, तुसीं एक बार भी किसी के नहर ते कसी ते भी नहीं जाके देखिया। तुसीं पानी पंजाब नू की किसानों नू की देना सी, तुसीं राजस्थान नू जाके बयान किया इलेक्शन च गए सी, उत्थे राजस्थान च क्या गया सी पंजाब दा पानी राजस्थान नू देवोंगे, थोड़े केजरीवाल ने बयान दिता कि असीं पंजाब दा पानी असीं हरियाणे नू देवोंगे, नाले तुसीं आप सुप्रीम कोर्ट तुसीं आप एफिडेविट दिता है कि मैं तां पानी देण नू तैयार हाँ हरियाणे नू, विरोधी पार्टियां उन्हां नू तुसीं कोई प्रबंध करो उन्हां दा तो कहना मतलब कि फौज भेजो साढ़े कोले तो मैं तो पानी दे दूंगा, इहदी प्राप्ति है। फिर कहिंदे रोड सेफ्टी फोर्स बनाई है, बहुत वड्डी प्राप्ति है जी रोड सेफ्टी फोर्स, मैं तो कितने देखी नहीं। फिर कहिंदे टूरिज्म समिट किया, टूरिज्म समिट किया, मैं उहदे फोटो देखियां, मैनू एक वड्डे होटलों के चेयरमैन या कोई मैनेजिंग डायरैक्टर कोई मैं दिखाई नहीं दिता, कोई टूरिज्म ट्रैवल एजेंसी ट्रैवल एजेंट्स का कोई टॉप कंपनीज का कोई नुमाइंदा नहीं देखिया। तो बुलाया तुसी कपिल शर्मा नू, कपिल शर्मा कोई एंड चीफ गेस्ट कपिल शर्मा है भगवंत मान जी, जो असी सबमिट करते होंगे ना उदो रतन टाटा अंबानी सारे टॉप की इंडस्ट्री इतने आँदी सी, जो आए ना कोई थोनू देख नहीं आता थोनू मिल के आऊगा, उन्होंने पता है कि ऐसा बुरा हाल तुसी पंजाब दा कर दिता है। हुण एक होर करती कि एजुकेशन रेवोल्यूशन लियांदी है, एजुकेशन रेवोल्यूशन लियांदी है, एक जिहड़ा बादल साहब ने स्कूल ऑफ एक्सलेंस बनाया सी, जिहड़ा बादल साहब ने जिहड़ा मेरिटोरियस स्कूल बनाया सी उहनू रंग रोगन करके एक स्कूल नू उहदे फर्नीचर नवां ला के पेंट करके ते कहता एजुकेशन रेवोल्यूशन लियाती असी, ना नहीं दस्या कि किन्ने कितने रेवोल्यूशन आती है की प्राप्ति है, कुछ नहीं कला हैडिंग देनी सी रेवोल्यूशन लिया दी है। आ पॉइंट तो मैं बड़ी हैरानी हुई, इन्हें कहा सीएम दी योगशाल है कि मैं 10,000 लोगों मैं योगा कराया, आदि वड्डी प्राप्ति है जी, 30 करोड़ रुपये ला के इश्तहार वंडे ना, मतलब योगा कराने इन्हें उदो भी 30 करोड़ रुपया लाया पूरे देश में दसन वास्ते कि मैं योगा कराने एक दिन वास्ते, आ इन्हां दी प्राप्ति है जी 1.5 साल की। तो फिर अखीर कह रहा है असी स्पोर्ट्स पॉलिसी लियांदी है, कोई स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं है। आ देखो इन्हां दी स्पोर्ट्स पॉलिसी, हरियाणा जिहड़ा एशियन गेम्स को जितदा है 3 करोड़ रुपया देंदे है गोल्ड मेडल लैंदा है, तो अपनी पॉलिसी है 1 करोड़ रुपया, आ इन्हां दी प्राप्ति है। जिहड़े अपने खिलाड़ी आए जित के आए उन्होंने कोई तुसी जाके मिले, जे स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई जे स्पोर्ट्स नू अगे कीता वो श्रोमणी अकाली दल ने कीता, असी स्पोर्ट्स किट भी देंदे होंदे सी, याद करो हर डिस्ट्रिक्ट किन्ने स्टेडियम असी बनाए, 13-14 तां एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम बनाए वर्ल्ड क्लास, ते अज जिहड़ी अपनी टीम एशियन गेम्स जित के आई है 11 प्लेयरां विचों 10 पंजाब दे है, जिन्नी असी दूजिया स्पोर्ट्स फैसिलिटियां बनाईया, भावें तुसीं मोहाली चले जाओ भावें लुधियाने चले जाओ भावें जलंधर चले जाओ भावें तुसीं बठिंडे चले जाओ फरीदकोट चले जाओ, सारियां ही उदों बनियां जदों श्रोमणी अकाली दल की सरकार सी। एक भी नवां स्टेडियम दस दिओ, एक भी नवीं फैसिलिटी दस दिओ, तुसीं तां डाइट मनी भी घटाती स्पोर्ट्समैन की। मैं पंजाब की जनता नूं अखीर बेनती करना चाहुंदा हां, रोज झूठ ते झूठ झूठ ते झूठ, आ इश्तहार 750 करोड़ रुपया आ झूठ ते लाउंदे आ हर रोज़ 750 करोड़।
25% ਇਹਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ 25%। ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਮੰਤਰੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ CBI ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਢੋਂਗੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਲੁੱਟਣ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਯੋਗਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ, ਯੋਗਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਪਰੋਚ ਕਰੀਏ ਕਿ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ 'ਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤਾਈਓ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਝੂਠ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗਾ।